तो देसाई रिकैप्ड, लास्ट लेक्चर में हमने रिकैप कर लिया था इसको। अभी यहाँ तक आ गए थे हम, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। फिर से एक बार ये दो डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब ऐसे पॉलीगॉन जिनके इनसाइड हमने कोई भी दो पॉइंट लिए और उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट लिया, तो वो सेगमेंट कंप्लीटली इनसाइड द फिगर ही रहेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। एंड कॉनकेव पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने वाला सेगमेंट अगर ड्रॉ किया तो उसमें से कुछ पार्ट ऐसा बाहर भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस सेगमेंट का कुछ पार्ट बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेव पॉलीगॉन। और अभी याद रखो कि हमारे पूरे सिलेबस में हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ही पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स ओनली, दैट इज ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स। ये तीन ही हमारे अभी आगे, जैसे हमने अब तक ट्राइंगल्स देखा, अभी क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं। ओके, ये 10 डेफिनेशन हमने कंप्लीट किए थे फ्रॉम द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अभी डेफिनेशन नंबर 11 लिखो, गिव द नेक्स्ट नंबर 11। रेगुलर पॉलीगॉन नंबर 12, इररेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड्स, जिसको मेनी साइड रहते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि मिनिमम तीन साइड रहने चाहिए, जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, सेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नैनोगॉन, डेकागॉन एंड सो ऑन लाइक दिस। सो रेगुलर पॉलीगॉन, ये रेगुलर वर्ड हमने एक्स्ट्रा ऐड किया यहाँ पे। तो रेगुलर मतलब जो भी पॉलीगॉन ले रहे हैं उसके पहला ऑल साइड्स आर इक्वल, उनके सारे साइड्स इक्वल रहने चाहिए। एंड सेकंड, ऑल एंगल्स आर इक्वल, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर एंगल्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ट्राइंगल लिया तो ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल है और उसके तीनों एंगल्स इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ऑफ कोर्स ट्राइंगल के टाइप के हिसाब से ये आएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। एवरीवन स्विच ऑन द वीडियो प्लीज, सब लोग वीडियो स्विच ऑन करो। सो रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल के केस में वो एक्चुअली होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर चार साइड्स है तो उसके चारों साइड इक्वल और चारों एंगल इक्वल, ईच 90 डिग्री आएगा, ये रहेगा स्क्वायर। फिर पेंटागॉन में भी ऐसे ही आएगा। पेंटागॉन में ये जो पांचों साइड्स है, ऑल फाइव साइड्स विल बी इक्वल एंड ऑल द एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है, हेक्सागॉन में भी वैसे ही, ऑल सिक्स साइड्स विल बी इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ऐसे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये सारे उसमें आएंगे, लेकिन उनके साइड्स और एंगल्स इक्वल रहेंगे, इसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगॉन। और इररेगुलर पॉलीगॉन मतलब उसका उल्टा, सारे साइड इक्वल नहीं रहेंगे, कुछ साइड का मेजरमेंट अलग रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने समझो हेक्सागॉन ड्रॉ किया, ये भी हेक्सागॉन ही है लेकिन इसमें ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो यहाँ सारे साइड इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज इररेगुलर पॉलीगॉन। ओके, सो देयरफॉर सर, इरेग्युलर में एंगल्स भी सेम नहीं आएंगे ना, इक्वल नहीं एंगल्स विल आएंगे। ऑल्सो बी, एंगल्स विल नॉट बी सेम।
एंगल्स विल बी डिफरेंट, ये डिफरेंट दिखाने के लिए मैं ऐसे एंगल्स विल बी डिफरेंट ओनली, अलग अलग आएंगे मेजरमेंट, सेम नहीं आएंगे, बस इतना सिंपल है. सो वी कैन से सिंपली ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, लिख लो डेफिनेशन नंबर 11, 12, फास्ट लिखो थोड़ा. ओके, वन मिनट सर. तो रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन ये दो टाइप, बस यहाँ तक हम हमारे अभी डेफिनेशन सारे कंप्लीट हो गए. तो आप देख सकते हो टोटल 12 डेफिनेशंस हमने देखे. अभी मैंने रिकैप कर लिया था कल, इसलिए बार बार रिकैप नहीं करूँगा, आप नोटबुक से पढ़ लेना. नाउ वी विल एक्चुअली स्टार्ट विथ अवर टॉपिक क्वाड्रिलेटरल. इसमें तो ये पहला पॉइंट था हमारा जो था सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. अभी दूसरा पॉइंट इस चैप्टर का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. बोलो पूजा सर. अभी हमने ये पिछला वाला पोर्शन हमने लिख दिया था ना नोटबुक में, तो फिर वो फिर से एक बार लिखना है क्या या फिर वही कंटिन्यू करना है? नहीं नहीं, बस आप डायरेक्ट 11 नंबर 12 नंबर डालो और यहाँ से कंटिन्यू करो. यहाँ तक जो 10 डेफिनेशन लिखे थे वो फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी लिखा. बीच में आपको पता है कि हमारा डिटूर हो गया था, डिटूर में आपने क्या सीखा, ऐसे घूम के आए हम, ये हमारा रास्ता था सीधा. घूम के आए, क्या क्या घूम के आए, पॉइंट, लाइन और ट्राइंगल. फिर से ये 10 डेफिनेशन यहाँ तक हो चुके थे, अभी 11वां डेफिनेशन अभी स्टार्ट कर दिया ऐसे. ठीक है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना आता है? यस सर. बोलो हाँ बोलो. सर पता है सर. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना आता है? हाउ मच? 360 डिग्री. वेरी गुड. देखो क्वाड्रिलेटरल का अगर हमने एक कोई भी डायगोनल ज्वाइन किया, समझो बीडी ज्वाइन किया हमने, तो उसकी वजह से क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट होते हैं एंड बोथ आर ट्राइंगल्स. ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का एडिशन, इन तीनों एंगल का एडिशन 180 आएगा, फिर इन तीनों एंगल का एडिशन 180 आएगा, टोटल इन सारे एंगल्स का एडिशन 360 आएगा. ओके, बस यही हमें एक्चुअली अभी प्रूव करना है. तो जब भी ज्योमेट्री में, अभी यहाँ से आगे 8th स्टैंडर्ड के आगे जो ज्योमेट्री हमारा स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा प्रूफ के तरफ मोड़ रहा है. प्रूफ का मतलब क्या है, किसी भी एक आधा स्टेटमेंट है तो उसको प्रूव करना, इसका मतलब उसके कुछ लॉजिकल स्टेप्स रहते हैं. मतलब हम कुछ भी हवा में नहीं बोलना है, जो है वो लॉजिकल स्टेप्स रहने चाहिए. ठीक है, सो प्रूफ का मीनिंग है लॉजिक. किसी भी एक स्टेटमेंट का मुझे समझो प्रूफ लिखना है, तो हम अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, या फिर उसी को आप थ्योरम बोल सकते हैं. थ्योरम मीन्स अ स्टेटमेंट विच नीड्स द प्रूफ, अ स्टेटमेंट विच नीड्स द प्रूफ, जिसको प्रूफ का जरूरत रहता है उसको हम बोलते हैं थ्योरम. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा रहता है 360 डिग्री. अभी ये स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करते वक्त जनरली हम प्रूफ में पहला स्टेप लिखते हैं गिवन, यहाँ पे दिया हुआ क्या है. ओके, बाद में दूसरा स्टेप लिखते हैं टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो लिखते हैं,
तीसरा स्टेप हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और डायग्राम में कुछ जरूरत पड़े तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ओके। और उसके बाद चौथा रहता है स्टेप्स, फोर्थ स्टेप इज एक्चुअली द प्रूफ, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर केस में गिवन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, तो जैसे ही हम लिखते हैं गिवन में हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दिस इज अ गिवन फिगर, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हो गया गिवन। गिवन लिखते वक्त हम क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट में दिया है पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करो और उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन में लिखो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। अभी प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम लिखेंगे कि इंटीरियर एंगल का सम, तो टोटल चार इंटीरियर एंगल्स आएंगे क्वाड्रिलेटरल के, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आएगा टू प्रूव में, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने अभी अभी बोला था कि इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन जो है ये ऑप्शनल है, ये हर बार हर एक प्रूफ में आएगा इसका गारंटी नहीं है, दिस इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ प्रूफ। लेकिन कुछ कुछ प्रूफ में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कुछ ज्वाइन करने पड़ते हैं सेगमेंट, कभी कभी कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ दो पॉइंट या फिर बहुत सारे अलग अलग चीजें वी मे हैव टू ड्रॉ, तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन। ये प्रूफ के अनुसार एज पर द थ्योरम्स प्रूफ वी हैव टू रिमेम्बर इट, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको हर बार रिवाइज करना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में, ये यही मेन पॉइंट है जहाँ जिसको हमें याद रखना है तभी हम प्रूफ लिख पाएंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर केस में कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ है, हम एक डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, ये मैं डॉटेड लाइन इसीलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये हमने मन से लिया, खुद से बाय आवर ओन सेल्फ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा। हम लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल बीडी, डायगोनल बोलो या सेगमेंट बोलो, ड्रॉ बीडी, बीडी को हमने ड्रॉ कर लिया। और अभी चौथा स्टेप है प्रूफ, तो किसी भी स्टेटमेंट का या थ्योरम का प्रूफ लिखते वक्त ये चार पॉइंट आते ही है, तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑप्शनल है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बट यू शुड ऑलवेज राइट डाउन लाइक दिस प्रूफ, ओके। तो आपके जो भी पेपर चेकर है सब्जेक्टिव वाले वो इसी तरीके से मार्क देते हैं, गिवन को हाफ मार्क, टू प्रूव को हाफ मार्क, जो भी है मार्किंग सिस्टम। उसके बाद प्रूफ, अभी प्रूफ जो है वो लॉजिकल स्टेप्स है, तो पहला लॉजिकल स्टेप हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटा ट्राइंगल ए बी डी जो है इसके तीनों एंगल का एडिशन, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अभी मैंने ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 लिखा, इसका रीजन भी हमें लिखना है, तो इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये रीजन आएगा इसका। तो जब भी प्रूफ लिखते हैं तो हर एक लाइन में एक एक स्टेटमेंट आएगा ऐसे, और हर एक स्टेटमेंट का ब्रैकेट में ऐसे रीजन आएगा, दैट इज कंपल्सरी, ओके। एवरी स्टेप शुड हैव रीजन, दैट मीन्स दे आर लॉजिकल स्टेप्स, वो ऐसे हवा में नहीं कर रहे हम स्टेप्स, वी आर राइटिंग इट लॉजिकल। और ये रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा प्रीवियस, इसके पहले जो प्रूव किया हुआ है हमने, प्रीवियस थ्योरम्स, प्रीवियस स्टेटमेंट, ओके। हमें ऑलरेडी पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री रहता है, उसका प्रूफ भी मैंने आपको बोला था, तो ये आता है, इसीलिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये रीजन लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। वैसे ही ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी सी, तो सेकंड लाइन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी
इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का एडिशन 180 आएगा, एंगल बीडीसी प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल सीबीडी एंगल डीसीबी। इन तीनों का एडिशन 180 आएगा, फिर से रीजन वही रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर टू। नाउ इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन में हमें दिया है तीनों एंगल का एडिशन 180, और इक्वेशन टू में हमें दिया है इन तीनों एंगल का एडिशन 180। तो राइट हैंड साइड में श्योरली आंसर आएगा 360 डिग्री, क्योंकि राइट हैंड साइड 180 180 है, तो दोनों 180 प्लस 180 360 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में छह एंगल का एडिशन आएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस ये तीन एंगल्स, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी, ये छह एंगल का एडिशन टोटल 360 आएगा। अभी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी हमें जो प्रूव करना है उसकी तरफ देखो, यहाँ पे एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी ये चारों एंगल लाने हैं, और राइट हैंड साइड में 360 लाना है। राइट हैंड साइड में तो 360 आ गया, अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये चार एंगल्स लिखने हैं। तो आप डायग्राम अगर देखेंगे तो एंगल डी ए बी जो है वो है एक्चुअली एंगल ए, ओके। उसके बाद एंगल डी ए बी मीन्स एंगल ए ओनली, उसको शॉर्ट में हमने लिखा। बाद में ये जो एंगल सी है, एंगल बी सी डी, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट एंगल सी। और आप देखेंगे डायग्राम में कि ये जो ए बी डी है प्लस डी बी सी, इन दो एंगल का एडिशन करने के बाद टोटल एंगल बी मिलता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंगल ए बी डी अंडरलाइन किया और एंगल सी बी डी इसको अंडरलाइन किया, इन दोनों एंगल का एडिशन हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस इन दोनों एंगल का एडिशन एक साथ लिखा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस बाकी के दो एंगल जो है बी डी सी एंड ए डी बी, तो ये दोनों एंगल्स है बी डी सी एंड एंगल ए डी बी, इन दोनों एंगल का एडिशन टोटल एंगल डी आएगा। बस हमने उनको एक साथ लिखा ताकि हम उसको एंगल डी करके रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री राइट हैंड साइड। तो बस ये एंगल ए एज इट इज प्लस एंगल सी प्लस ये क्या है एंगल बी प्लस दिस इज एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर भी यहाँ पे रीजन लिखना है फ्रॉम फिगर, फिगर को देख के हमने ये लिखा है कि सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज एंगल बी, और इन दो एंगल का सम है वो है एंगल डी, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे लिखना है, राइट डाउन द, ठीक है सर, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. वैसे देखो हमें पता है पहले से कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का एडिशन 360 आता है, लेकिन हमें ये सब स्टेप्स, मैं सब्जेक्टिव का भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लिखते वक्त ऐसे सिस्टमेटिकली लिखना है, राइट डाउन। जनरली हम क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड का एग्जाम रहता है, इसीलिए उस वक्त ही बोर्ड के एग्जाम को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं और सब्जेक्टिव को ज्यादा भाव देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 10वीं तक कोई भी स्टूडेंट भाव नहीं देते। लेकिन एक चीज बता सकता हूँ मैं आपको, फ्रॉम द सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स,
जो भी स्टेप्स प्रूफ में रहते हैं ना, उस बीच वाले स्टेप्स के ऊपर बहुत सारे एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, JEE, नीट, ऑफकोर्स मैथ्स के लिए JEE. तो JEE में जो बीच में प्रूफ के स्टेप्स रहते हैं ना, उसके ऊपर MCQ बनाते हैं वो लोग. सो वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. जैसे आपको बताया जाता है ना कि अगर आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो नीट के लिए जब आप बायो पढ़ते नीट के लिए जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि NCERT का बुक बायो का एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना जरूरी है. तो वैसे ही मैथ्स का भी हर एक स्टेप. सर नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम भी ड्रॉ करना है. फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करो अभी फिलहाल. नीचे की दिखाओ ना एक मिनट स्लाइड. मेरा बच्चा है पीछे का दिखना. हो गया सर? नो सर. डन? यस सर. नो सर. नो नो सर. डन सर. ओके नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सर वन मिनट प्लीज. अबे ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने चार नंबर्स दिए, उसमें से वो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के हैं क्या चेक करो. तो उन चारों नंबर का एडिशन 360 आना चाहिए. तीन एंगल दिए, चौथा फाइंड करने को पूछा, तो बाकी के तीनों का एडिशन 360 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अगर मैंने आपको चारों एंगल का रेशो दिया, इफ आई गिव द रेशो ऑफ ऑल फोर एंगल्स, तो चारों एंगल्स फाइंड करते आना चाहिए. ओके बोलो शिवम. सर आरने का दो ट्रायंगल्स मिलके, दो ट्रायंगल में मिलके, मतलब एक ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा 90 डिग्री का होता है, वो मिलके 180 डिग्री का एक होता है और दूसरा 180 का होता है, वो 360 का एक पॉलीगॉन मिलता है. तो सर हम तीन ले तीन ड्रॉ करें पॉलीगॉन में, तो वो भी तीन ट्रायंगल का बन जाएगा ना एक पॉलीगॉन? नहीं, क्वाड्रिलेटरल में वैसे देखा जाए तो हमने समझो डायगोनल एसी भी ज्वाइन कर लिया, ये एसी भी ज्वाइन कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हमें यहाँ पे ये जो चार इंटीरियर एंगल्स है, कौन कौन से, एंगल ए,
ये पूरा एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चार एंगल्स हमें कवर करने हैं, ओके, इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए हमें, हमने यहाँ पे एक ही डायगोनल ज्वाइन किया, डायगोनल बी डी, ताकि हमें दो ट्राइंगल मिल जाए और वहां पे दो ट्राइंगल के एंगल का एडिशन 180 प्लस 180 360 मिल जाए। तीन ट्राइंगल में आप क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर सकते हैं कहीं पे भी एक पॉइंट लेके, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने और यहाँ पे ऐसे मैंने उसको तीन ट्राइंगल में डिवाइड किया, लेकिन हमारे जो एंगल ए बी सी डी है ये चार एंगल्स हैं। अभी ये पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, तीसरा ट्राइंगल, इन तीन ट्राइंगल के अगर आप इंटीरियर एंगल का एडिशन ले रहे तो यहाँ ये दो एंगल तो आ गए, ये एंगल भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, लेकिन ये तीनों जो है ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल के नहीं है। वन, ये जो एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, ये छोटे एंगल जो है वो 180 वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर तीन एंगल का, तीनों ट्राइंगल का एडिशन अगर 180 आता है एंगल्स का, तो 180 इंटू थ्री 540, 540 में से 180, क्योंकि ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल नहीं है क्वाड्रिलेटरल के, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी प्रूफ को डिफिकल्ट बना रहे। समझ में आ रहे हैं तुझे शिवम? Is it clear? Yes, sir. ठीक है, अगला देखो अभी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको लिखो रोमन नंबर थ्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे और प्रूफ भी देखने वाले हैं। फिलहाल आज प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, बस ये स्टेटमेंट को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। द स्टेटमेंट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। अभी यहाँ पे एनी क्वाड्रिलैटरल बोला है, हम चाहे तो इसके जगह पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इन जनरल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। इस स्टेटमेंट को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, बाद में प्रूफ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सी, अगर मैंने एनी पॉलीगॉन, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं, तो ट्राइंगल में हमने अगर साइड्स को प्रोड्यूस किया मतलब एक्सटेंड किया, ऐसे सारे साइड्स को ऐसे हम एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वी विल एक्सटेंड वन साइड ओनली वंस, एक साइड को एक्सटेंड करते हो, हम एक ही बार एक्सटेंड करेंगे। तो से दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, साइड ए बी को हमने इस तरफ एक्सटेंड किया, ए सी को ऐसे एक्सटेंड किया और बी सी को ऐसे एक्सटेंड किया, ये प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे टोटल ये एंगल नंबर वन, एंगल नंबर टू और एंगल नंबर थ्री, ये तीनों एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे, ठीक है। इन तीनों का सम 360 डिग्री आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे अभी, ये है रे बी ए, ये है रे सी बी एंड रे ए सी, ये तीन रेज है, तीनों को ऐसे समझ लो कि एरोज है वो, ओके। तो अभी जो पहला बी सी बी ए एरो है उसको मैं उठा के यहाँ ऐसे रख देता हूँ, उसी को खुद को पैरेलल रे बी ए, फिर उसके बाद रे ए सी जो है वो रे एसी को उठा के यहाँ ऐसे रख देता हूँ, उसको खुद को पैरेलल, रे एसी है वो एक्चुअली स्पीकिंग, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट जो ए है वो मैंने बी पे जगह पे शिफ्ट किया, और यहाँ पे रे सी बी जो है वो हमने ऐसे लिया, ठीक है।
तो रे सी बी, तो वो तीनों रेस को मैंने ऐसे एक जगह पे, उनका इनिशियल पॉइंट एक जगह पे लाया, तीनों बांध रखे हैं एरोज ऐसे समझो। अभी इन तीनों एंगल का एडिशन, ये एक्सटीरियर एंगल नंबर वन, एक्सटीरियर एंगल नंबर टू और एक्सटीरियर एंगल नंबर थ्री, तीनों का एडिशन श्योरली कितना आएगा? 360 डिग्री। अभी ऐसा अगर ट्राइंगल में होता है तो सेम विल हैपन इन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन एंड सो ऑन। इसीलिए हम बोलते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल के लिए इसका हम प्रूफ कल डिस्कस करते हैं, इतना पहले लिख लो। सर इसके लिए हम वो रिमोट एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं ना प्रूव करने के लिए? रिमोट एंगल प्रॉपर्टी सर? यस वी कैन यूज रिमोट एंगल इज सम ऑफ, सॉरी एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर, ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिखाई दे रहा है कि ये कंप्लीट एंगल है पूरा, एंगल 1+2+3, तो वो श्योरली 360 ही आएगा। लेकिन प्रूफ के स्टेप्स हम प्रॉपरली कल लिख लेंगे। नाउ जस्ट राइट डाउन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल के जगह पे एनी पॉलीगॉन भी हम लिख सकते हैं, किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर का सम 360 डिग्री आता है।